रेगुलेट। अब देखो क्या कह रहा है, सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन, सुनिएगा बेटा मेरी बात, या आप लोगों के क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश मीडियम साइंस एनसीईआरटी बायोलॉजी सीबीएसई के चैप्टर नंबर 13 का है बेटा। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 13 के अंदर ही एबायोटिक फैक्टर, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह पढ़ा था। अब हम लोग बोल रहे हैं कि एबायोटिक फैक्टर के अंदर जो कोई भी जीव वो रिस्पॉन्स क्या जनरेट करता है उसकी बात कर रहे हैं। पहला है रेगुलेट। रेगुलेट की अगर हम लोग बात करें, सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस मतलब कांस्टेंट स्टेज, ठीक है ना, जिसमें आप लोगों का क्या है कि भाई टेम्परेचर जो है वो बॉडी का क्या है कांस्टेंट मेंटेन करके रखेगा। आगे देखो आएगा बाय द फिजियोलॉजिकल मीन्स, यानी कि बॉडी अपने काम से, ठीक है, समटाइम कभी कभी बिहेवियर ऑल्सो बिहेवियर के थ्रू भी काम कर लेता है, ठीक है ना, मीन्स विच इंश्योर, जो कि काम में आता है, जो ये दर्शाता है दैट द कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर को दर्शाता है द कॉन्स्टेंट ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन। यहाँ पर आप लोगों को केवल रेगुलेट में दो ही चीज़ें पढ़नी है, बॉडी टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन के बारे में पढ़ना है। एक्सेट्रा ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, सारे पक्षी और मनुष्यों की बात करें, आर वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट, और कुछ लोअर वर्टिब्रेट जो होते हैं एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज आर इनडीड कैपेबल ऑफ। अच्छा, इनकी बात करें कि यही केवल कैपेबल है, इनके पास कैपेसिटी होती है इस टाइप के रेगुलेशंस को दर्शाने की, जिसे आप लोग अभी रेगुलेशंस कौन कौन से होते हैं, थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन में क्या है कि बेटा जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है उसको क्या कर रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है। ऑस्मोरेगुलेशन में क्या है, जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है उस ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, अगर जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट की बात करें, जो इवोल्यूशन से रिलेटेड है, बिलीव वो मानते हैं दैट द सक्सेस ऑफ मैमल्स, की मैमल्स की जो सफलता है या मैमल्स इज लार्जली ड्यू टू देयर एबिलिटी टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जो मैमल्स हैं वो सर्वाइव क्यों कर पाते हैं कि वो अपनी इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट कर सकते हैं, एक डिग्री के ऊपर मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। एंड थ्राइव, थ्राइव मतलब छुटकारा पाते हैं, वेदर दे थ्राइव वेदर, ठीक है, दे लिव इन अंटार्कटिका एंड सहारा डेजर्ट। थ्राइव वेदर मतलब ऐसी स्थिति जहाँ जो किसी के रहने के लिए उपयोगी नहीं है, थ्राइव मतलब होता है अनयूजफुल, ठीक है, या फिर आप लोग ड्रास्टिक वेदर बोल सकते हो। आई बात समझ में भाई, अंटार्कटिका में बर्फ जमती है और सारा डेजर्ट में क्या है आप लोगों का, भाई सारा डेजर्ट में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। द मैकेनिज्म यूज्ड बाय द मोस्ट मैमल्स, अच्छा अब मैकेनिज्म कौन कौन सी है, बहुत सारे मैमल्स की रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर आर सिमिलर, वो सिमिलर है टू द वंस दैट ह्यूमन वी यूज। अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें, वी मेंटेन द कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। एग्जाम्पल दे रहे बेटा ह्यूमन का कि हम लोग 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या है टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं। इन समर, समर की बात करें, वेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन आर बॉडी, जब आउटसाइड का टेम्परेचर जो हमारी बॉडी से ज़्यादा है, वी स्वेट, हमको क्या है बहुत तेज गति से परफ्यूजली मतलब बहुत तेजी से क्या है पसीना आता है, ठीक है, द रिजल्टिंग इवेपोरेट। अच्छा, अब वो पसीना जब बाहर उड़ेगा तो आपको क्या मिलेगी, कूलिंग मिलेगी। सिमिलर साथ साथ टू वॉट हैपन विद अ डेजर्ट कूलर, डेजर्ट कूलर इन ऑपरेशन, यानी कि आप क्या है कूलर लगा देते हो, ओके, ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर, जो कि बॉडी टेम्परेचर को क्या है, जैसे डेजर्ट कूलर क्या है, डेजर्ट कूलर में क्या है भाई, जो कूलर लगाते हैं उसमें पानी की फुहार आती है, पानी जा रहा है तो हवा उसमें आ रही है, पानी उड़ के आपकी तरफ आता है तो रूम को ठंडा करता है, ऐसे ही पसीना क्या आपके बॉडी के टेम्परेचर को डाउन नीचे ले आता है, ठीक है। इन विंटर, विंटर की अगर हम लोग बात करें तो टेम्परेचर मच लोअर देन, अगर टेम्परेचर बाहर का कम है, वी स्टार्ट टू शिवर, शिवर होता है बेटा कपकपाना, ठीक है, काइंड ऑफ एक्सरसाइज। अच्छा, ये क्या है कि एक एक्सरसाइज है, किस तरीके का व्यायाम है, विच प्रोड्यूस हीट, जो कि हीट को प्रोड्यूस करता है एंड रेज द बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर को क्या है बढ़ाता है। प्लांट ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरे हैंड की तरफ प्लांट की बात करें, डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म, उनके पास इस तरीके की मैकेनिज्म नहीं होती टू मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अगला है कन्फर्म, कन्फर्म का मतलब देखो क्या होता है, एंड ओवरविल्मिंग मेजोरिटी, यानी कि लगभग 99% जो है एनिमल एंड नियरली ऑल द प्लांट, सारे प्लांट कैन नॉट मेंटेन देयर कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, ये टेम्परेचर और उसकी बात कर रहा था, ठीक है, ये इंटरनल पूरे एनवायरनमेंट की बात कर रहा है कि लगभग 99% मनुष्य जानवर ऐसे हैं और प्लांट ऐसे हैं कि जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या है कॉन्स्टेंट नहीं कर पाते। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज, उनका जो शरीर का तापमान है वो चेंज रहता है विद द एम्बियंट टेम्परेचर, एम्बियंट होता है बेटा सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग टेम्परेचर। इन एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल की बात करें, द ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूड्स, बॉडी फ्लूड्स की चेंज दैट ऑफ द एम्बियंट एयर, अच्छा जो बॉडी फ्लूड्स के अंदर की ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन है, वो क्या है चेंज होती रहती है, ओके, ठीक है। वाटर ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन, दीज एनिमल्स
अच्छा, वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो होता है एनिमल्स की एंड द प्लांट आर सिंपली कन्फर्म आर कंसिडरिंग द बेनिफिट ऑफ द कंसर्न इंटरनल एनवायरनमेंट टू द ऑर्गेनिज्म, वी मस्ट आस्क, हमें ये पूछना चाहिए व्हाई दिस कन्फर्मर हैड नॉट इवॉल्व द बिकम रेगुलेटर। ठीक है, ये लाइन क्या कह रही है कि भाई काफ़ी जीव ऐसे हैं जो अपने इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर वगैरह नहीं कर पाते, तो ये कन्फर्मर रेगुलेटर क्यों नहीं बन पाते। रिकॉल द ह्यूमन एनालॉजी वी यूज अबाउ, अब याद करो जो अभी मनुष्य के बारे में हमने पढ़ा था, मच एज दे लाइक हाउ मैनी पीपल कैन रियली अफोर्ड द एयर कंडीशनर, क्या सारे लोग एयर कंडीशनर नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते। मैनी सिंपली स्वेट इट आउट एंड रिजाइन देमसेल्व्स टू सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन द समर मंथ्स। ठीक है ना, अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई काफ़ी लोग एयर कंडीशन तो नहीं दे सकते, तो उनकी बॉडी से तो पसीना बहेगा ही बहेगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म, वो काफ़ी जीवों के लिए एक्सपेंसिव होता है। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू, ये बहुत सही है फॉर स्मॉल एनिमल्स, कुछ छोटे जीवों के लिए लाइक श्रूज एंड हमिंग बर्ड्स। ठीक है, श्रूज और हमिंग बर्ड्स के एग्जाम्पल दे रहे हैं। हीट लॉस और हीट गेन, हीट लॉस और हीट गेन की बात कर रहे हैं, इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, वो एक फंक्शन है सरफेस एरिया का, सिंस स्मॉल, जिसमें जो छोटे जानवर है हैव अ लार्जर सरफेस एरिया, जिनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम के साथ साथ दे टेंड टू लूज मतलब कि वो क्या करते हैं कि जो बॉडी हीट है उसको बहुत तेज गति से छोड़ना चालू करते हैं व्हेन इट इज कोल्ड, अगर बाहर कोल्ड की कंडीशन है तो बॉडी की हीट को अंदर से बहुत ज़्यादा जनरेट करेंगे। ठीक है, ये रेगुलेट, ये इसके कन्फर्मर की एग्जाम्पल है। ओके, देन दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी, इसलिए वो क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को एक्सपेंड करते हैं टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, बॉडी हीट को वो क्या करते हैं मेटाबॉलिज्म के साथ में क्या कर रहे हैं बेटा वो लोग, वो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो बॉडी हीट को मेटाबॉलिज्म के साथ में क्या करते हैं वो लोग, यानी कि उसको बहुत तेज मात्रा में छोड़ते रहते हैं। दिस इज द मेन रीज़न, अब ये एक कारण है वाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन द पोलर रीजन, जो पोलर रीजन यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर जो छोटे जीव पाए जाते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन के दौरान द कोस्ट एंड द बेनिफिट ऑफ मेंटेनिंग कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट आर टेकन टू कंसिडरेशन। ठीक है, सम स्पीशीज हैव इवॉल्व द एबिलिटी टू रेगुलेट, यानी कि कुछ स्पीशीज, अब देखो जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो कुछ स्पीशीज में क्या है रेगुलेशन हो गया। ठीक है, बट ओनली ओवर अ लिमिटेड रेंज, लेकिन एक लिमिटेड पैमाने के ऊपर ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन बियॉन्ड विच दे सिंपली कन्फर्म। इफ द स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशन, अगर स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशन आती हैं आर लोकलाइज वो देखी जाती हैं फॉर और रिमेन ऑनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन द ऑर्गेनिज्म हैज टू अदर अल्टरनेटिव फॉर द सर्वाइवल, ऑर्गेनिज्म के अंदर दो दूसरे अल्टरनेटिव भी होते हैं सर्वाइवल के लिए। फिर है माइग्रेट, माइग्रेट का मतलब हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रवासन, यानी एक जगह को छोड़कर चले जाना। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म कैन मूव, देखो इसमें लिखा हुआ है ऑर्गेनिज्म जो मूव कर जाते हैं टेम्परेली, टेम्परेली मतलब कुछ समय के लिए, फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट, यानी कि जो हैबिटेट उनके लिए यूजफुल नहीं है, ये सुटेबल नहीं है, टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया, हॉस्पिटेबल एरिया का मतलब सुटेबल एरिया एंड रिटर्न वैन, और वापस आते हैं वैन द स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। ठीक है, जब स्ट्रेसफुल पीरियड क्या है खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल इन ह्यूमन एनालॉजी की बात करें, अगर हम लोग ह्यूमन के केस में बात करते हैं, मानव समरूपता की बात करें, द स्ट्रेटेजी इज लाइक अ पर्सन, स्ट्रेटेजी क्या है, एक पर्सन, एक व्यक्ति जो मूविंग फ्रॉम डेली, डेली से जा रहे हैं शिमला समर में, गर्मियों में भाई शिमला में ठंडक है। ठीक है, मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं पर्टिकुलरली बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर, वो विंटर के अंदर आते हैं, अंडरटेकन ए लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी तय करके, लंबी दूरी तय करके माइग्रेशन शो करके मोर हॉस्पिटेबल एरिया। अब इसमें देखो राजस्थान का एग्जाम्पल दे रहा है, आप लोगों ने SST में पढ़ा होगा केवला देव जो नेशनल पार्क है भरतपुर में, वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स जो साइबेरिया से आते हैं, साइबेरिया सारस होते हैं, वो आते हैं कोल्ड कंडीशंस में, क्योंकि वहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो माइग्रेट का मतलब क्या है कि आप लोग स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचने के लिए उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जा रहे हो। सस्पेंड का मतलब होता है अपने आप को उसमें ढाल लेना। ठीक है, इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की बात करें, फंजाई की बात करें, लोअर प्लांट की बात करें, ओके, वेरियस काइंड ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर्स आर, अच्छा बैक्टीरिया क्या करते हैं, अब देखो उनकी वॉल है ये बैक्टीरिया, उसके चारों तरफ इस तरीके से एक वॉल लेयर बना देते हैं जिसे आप लोग स्पोर बोलते हैं, स्पोर बनाते हैं विच हेल्प देम, जो उनको मदद करते हैं टू सर्वाइव, सर्वाइव करने के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर, किस में अनफेवरेबल कंडीशन से, अनफेवरेबल मतलब अनसुटेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं।
अब ये क्या कहते हैं, दीज जर्मिनेट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल। अब जब सुटेबल एनवायरनमेंट आएगा तो ये जर्मिनेट हो जाएंगे, यानी कि स्पोर से न्यू बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होना, ठीक है। जर्मिनेट होना मतलब ये होता है। हायर प्लांट की बात करें, सीड्स, अब सीड्स जो हैं वो भी डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, ठीक है। सीड्स एंड सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सर्व एज अ मींस टू टाइड ओवर द पीरियड स्ट्रेस बिसाइड द हेल्पिंग डिस्पर्सल। दे जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू प्लांटलेट अंडर फेवरेबल मॉइस्चर, ठीक है ना। अच्छा, जब उनको पूरी नमी मिलेगी, पूरा टेम्परेचर मिलेगा, तो वो दोबारा जर्मिनेट हो जाएंगे। दे डू सो बाय रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अच्छा, पेड़ों में क्या होता है, वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम कर देते हैं, और इसे आप लोग क्या बोलते हो, डॉर्मेंसी पीरियड बोलते हो, यानी कि सुसुप्त अवस्था या सोने की अवस्था, ठीक है। इन एनिमल, एनिमल की बात करें अगर हम लोग, अब एनिमल अगर वो माइग्रेट होने में नहीं होते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी आती है। देखो, माइट अवॉइड द स्ट्रेस बाय द स्केपिंग द टाइम। अच्छा, वो समय के अनुसार अपने आप को बचाने के लिए, फेमिलर केस जो है बियर, बियर के अंदर भालुओं, जो भालू मतलब जो कहाँ रहता है, पोलर बियर्स की बात कर रहा है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में रहता है, ठीक है, ओके, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन का मतलब होता है बेटा, हाइबरनेशन को आप लोग क्या बोलते हो, शीत निष्क्रियता, ठीक है, ड्यूरिंग द विंटर एंड एग्जाम्पल एक्सकेप द इन द टाइम सम स्नेल्स। अच्छा, कुछ स्नेल्स की बात करें, फिश जो है, जो अगर आप लोग बात करो तो वो एस्टिवेशन, ग्रीष्म निष्क्रियता, ठीक है ना, उनमें चले जाते हैं, समर से रिलेटेड प्रॉब्लम से, हीट एंड डेसिकेशन के अंदर। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये वापस आ जाते हैं। जू प्लैंकटोन स्पीशीज लेक एंड पॉन्ड आर नॉन इन द इंटर डायपोज, ठीक है ना, ओके। और ये क्या कहते हैं, सस्पेंड डेवलपमेंट। सस्पेंडेड मतलब अपने आप को उस स्थिति में ढालने के लिए अपना रूप परिवर्तित कर देना, ठीक है। फिर आता है आपके पास अडेप्टेशन, उसको आप लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर।